अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, जुमा मुबारक। क्या हाल चाल है जी सबके? सब ठीक ठाक हैं? वेलकम टू समर। गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और माशाल्लाह धूप फुल करकदार निकली हुई है, बट टेम्परेचर जो सा वो अभी तक नॉर्मल ही है, कोई इतना ख़ास बढ़ा नहीं है। कभी कभार बढ़ जाता है और कभी कभार कम हो जाता है। तो अल्लाह ताला मेरे तलाबाद वाले भाई यहाँ जो उनसे भी बाइक राइडर हैं सबकी हिफाजत फरमाएँ और उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, क्योंकि आगे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा स्टार्ट होने वाली हैं और सबसे ज़्यादा मुश्किल इन भाइयों के लिए होगी जो उनसे के रोड्स पे होंगे हर टाइम। सो अभी हम सीफ एरिया में आए हैं, एक दो मीटिंग्स हैं यहाँ पे, वो करेंगे और इसके बाद का प्लान अभी तक कोई आइडिया नहीं है। बट हवा का प्रेशर तेज़ है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ से पानी के बहाव से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फास्ट। अभी हम टू बेडरूम फ्लैट में आए हैं। इसमें भी फुली ऑटोमेटिक कर्टन्स आ जाते हैं और प्यारा प्यारा सा इस टाइम जनाब सनसेट हो रहा है। तो आज हम आए इस फ्लैट में, ये कम्प्लीटली सी व्यू आ जाता है। टू बेडरूम ही है, टू बेडरूम टू बाथरूम एंड ओपन किचन। सो जी अभी मैं बदैया साइड पे आया हूँ और माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा है। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं यहाँ इस साइड पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, और मौसम बाकी बहुत शानदार है। यहाँ पे सब विलाज हैं, जैसे कि मुझे लगता है शायद इस्कान यानी गवर्नमेंट वगैरह के भी विलाज हैं यहाँ पे, और लोगों ने खुद तो नहीं बनाए हुए क्योंकि सब विलाज सेम है। हाँ, ज़्यादातर विलाज सेम है। सो अभी यहाँ से हम निकलते हैं looking nice। इसी एरिया को सलमान सिटी भी कहते हैं और हमने रॉन्ग कट ले लिया। मबरूक। मौसम बहुत प्यारा है और यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। डिफेंस याद आ गया लाहौर का। और बस स्टॉप वगैरह भी बने हुए हैं, आप इजीली इस एरिया में बाय बस भी आ सकते हो। अच्छा, बस की इंफॉर्मेशन रहेगी, आप अगर बहरीन में आते हो, अगर आप आउट ऑफ कंट्री हो, आप इजीली यहाँ पे आके जो है बस कार्ड महीने के लिए बनवा सकते हो। 12 PT आता है जिसका मंथली चार्ज, और आप पूरे बहरीन में भाई कहीं भी ट्रैवल करो इन जस्ट 12 PT फॉर होल मंथ, और साथ में जो है क्या कहते हैं फ्री का वाईफाई भी इंजॉय करो भाई। एरिया मुझे बड़ा पसंद है, बट हमारा काम मनामा में है ना, इसलिए यहाँ पे आ नहीं सकते। काम वहाँ पे ही रहता है तो इसलिए हमको ये इलाका दूर पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? आज जनाब हम आए हैं यहाँ पे, ये रेस्टोरेंट है जन्ना हद्रमूत, ठीक है, और उसमें हम ये चेक कर रहे हैं चिकन दजाज है, चिकन लीवर है, और साथ में ये आ जाता है हनी विद क्रीम, और साथ में ये यमनी रोटियां हैं और रिफा के अंदर है। साइज चेक करो आप, क्या बात है।
तो अब स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। इसकी लोकेशन वगैरह मैं आपको बता दूंगा। रिफा में इस टाइम हम लोग तो ज़बरदस्त, ये है रेस्टोरेंट का नाम, वैसे आप सर्च करोगे आ जाएगा। जामिया वेल मस्जिद के बिल्कुल सामने ये शॉप का नाम है हरदरा मूर पैराडाइज रेस्टोरेंट। आप गूगल पे सर्च करोगे तो इजीली आ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और मैं कहता हूँ जी खाने का मज़ा आ गया, लाजवाब लाजवाब हो गया। तो जी आज का फ्लैट है 2 बेडरूम, देखें ये अवेलेबल है। अगर आपको मंथली वगैरह भी चाहिए तो आपको मिल जाएगा। और पूरा अरेबिक स्टाइल में जौन सा वो रेनोवेट हुआ है। यहाँ पे क्लोज किचन आ जाता है विद गैस ऑप्शन, जिसमें माइक्रोवेव फ्रिज वगैरह कैटल वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अब आपको फ्लैट दिखाते हैं। यहाँ पे बाथरूम कॉमन जोन से यहाँ पे आ जाता है। ये चीज़ें देख रहे हैं, बाइक और ये टाइग्रेस बैठी है पक्का। दूसरा रूम इसमें ये आ जाता है। मास्टर बेडरूम इसमें लॉक है तो इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं रहा, बट वो भी बहुत प्यारा है। सेम ऐसे ही जैसा मैंने आपको पहले दिखाया, बिल्कुल सेम उसकी तरह। सो इट विल कम 2 बेडरूम 2 बाथरूम विद क्लोज किचन, गैस ऑप्शन, विद इंटरनेट, विद स्मार्ट टीवी,